हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी फैमिली से। यहाँ पर मेरी बेटी मस्ती कर रही है और मेरी मम्मा और मेरी नानी दोनों बातें कर रही हैं। बहुत दिनों बाद मिले ये लोग भी, तो बैठ के आराम से बातें कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं मिलवाती हूँ यहाँ पर मेरे नाना जी से, जो कि बाहर बैठे हुए हैं और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा मैं आप लोगों को मिलवाना चाहती हूँ मेरी चिल्लर पार्टी से, जो कि अंदर वाले रूम में फरियाल कर रही है, क्योंकि जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रही थी उस दिन थी जन्माष्टमी, तो सभी लोगों का फास्ट था। यहाँ पर सभी लोग फरियाल कर रहे थे। यहाँ पर है मेरे पापा, मेरे मामा और मौसी के बच्चे, सभी लोग यहाँ पर फरियाल कर रहे हैं। तो देखिए, सभी लोगों की पंगत लगी हुई है हम लोगों के यहाँ पे, जो साथ में सब लोग खाना खाते हैं तो पंगत बोलते हैं। सभी लोग पंगत लगा करके बैठे हुए हैं और फरियाल कर रहे हैं, आप लोगों से हाय भी कर रहे हैं, और मेरे मामा इन लोगों को सर्व कर रहे हैं। तो ये आप लोग आराम से देख ही सकते हैं। इस टाइप से मेरे नाना नानी का घर यहाँ पर और हम लोगों की फैमिली। और ये देखिए मेरी प्यारी सी बेटी यहाँ पर पानी पी रही है और कुछ शैतानियाँ भी कर रही है साथ में। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी फैमिली और सभी लोग बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट्स करके। ये है बाहर का व्यू, हमारी नानी के घर से बाहर का व्यू ऐसा दिखता है, मैंने चारों तरफ से दिखा दिया आप लोगों को। और इसके अलावा मेरी बेटी आ गई थी यहाँ पर बाहर, तो मैं उससे बातें कर रही थी। हेलो हेलो, हाउ आर यू मम्मा? बोलो, हाउ आर यू मम्मा? ये यहाँ पर मेरी बेटी इशारों के थ्रू आपको कुछ बोलेगी, आप लोग प्लीज़ समझने की कोशिश करना। एक्चुअली वो कहना चाहती थी बोल दो, मैं शाम को फिर से राधा बनूंगी। मैं शाम को फिर से राधा बनूंगी, पहले भी राधा है। मैं शुरू से पढ़ शुरू से आधा पूरा आधा। अरे आप तो बोलो। नहीं, मैं ऐसे बोलूं फिर से राधा बनने के लिए। फिर पहले जमती थी, एक जब मती आ गई थी, फिर कल से भी राधा बन जाएंगे, आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, मैं राधा ही बनती रहूँगी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैं भी कल स्टार्ट की रहा। ओके, एक वो डिसलाइक मत कीजिए, ऐसा नहीं हो रहा। आप इसको हाँ बोलो, डिसलाइक नहीं करिए, कमेंट शेयर लाइक सब करिए। हाँ मम्मा को किसको करिए? मम्मा वेटिंग मैचिंग मैचिंग, मम्मा वेटिंग मैचिंग मैचिंग। आज राधा, थैंक यू। कैसे आप सब लोग, कैसे आप सब लोग? इसके बाद फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे गांव के मंदिर का डेकोरेशन। एक्चुअली यहाँ पर बलून का डेकोरेशन करवाया था। यहाँ पर हर साल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डेकोरेशन किया जाता है। ये यहाँ पर मेरे मामा और भी अंदर जो सिंहासन होता है, गर्भगृह होता है, वहाँ पर वो पूजा कर रहे थे। और उसके बाद मेरी बेटी को हमने फिर से यहाँ पर जन्माष्टमी पर राधा बनाया था, क्योंकि उसकी फरमाइश देवा से ही थी कि मुझे गाँव में भी राधा बनाना। और उसके अलावा वो कुछ खा रही थी, उसका वीडियो शूट कर लिया था हम लोगों ने, तो वही आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर मेरी कज़िन्स वगैरह जो हैं वो फ़ोटो सेशन कर रही हैं। ये देखिए, ये हेलो बोल रही हैं आप लोगों को। और इसके अलावा मैं और मेरी मौसी अंदर तैयार हो रहे थे। देखिए मेरी मौसी की छोटी वाली बेटी है ये, और मौसी है, वो भी हेलो कर रही हैं आप लोगों को। तो आप देख ही सकते हैं, ये है हमारी फैमिली। मेरी मम्मा है बीच में, और ये है साइड में मेरे मूसा जी वाइट शर्ट में, और ये है मेरी राधा रानी। आज मैं आपके साथ नया एक और स्लेट पेंसिल के अनबॉक्सिंग का वीडियो शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा।
सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, एक्चुअली मैं गांव में हूँ इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा नॉइस है मेरे से, प्लीज़ से इसके लिए सॉरी, आंसर सॉरी। और आज मैं आपके साथ एक नया स्लेट पेंसिल का ब्रांड शेयर कर रही हूँ, दैट इज़ सिलिका ब्रांड। ये सिलिका ब्रांड के स्लेट पेंसिल थे और आप लोगों से क्या झूठ बोलना है ये देखिए, मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। मैंने इसके साइड इफ़ेक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं बट मैं क्या करूँ, मुझसे भी छूट नहीं रही है, मैं भी थोड़ी बहुत खा लेती हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था यहाँ पर खाने का, इसलिए मैंने बुलवाई थी तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर कर लूँ। तो देखिए मैंने सिलिका ब्रांड के स्लेट पेंसिल्स मंगवाई हैं, ये स्लेट पेंसिल के दो पैकेट मंगवाए हैं, 6 रुपीज़ का एक पैकेट है, ये दो पैकेट्स मंगवाए थे मैंने, इसलिए ओपन करके दिखाती हूँ। एक्चुअली एक हाथ से ओपन नहीं हो रहा है, क्या स्लेट पेंसिल है, ये स्लेट पेंसिल जुड़ी हुई आई है, देखिए मीडियम साइज की स्लेट पेंसिल्स हैं कि मैंने खा करके देखा है, मुझसे रहा नहीं गया था, तो इसमें थिक और थिन दोनों ही टाइप के स्लेट पेंसिल्स हैं। इसका जो क्रंच है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी हार्ड स्लेट पेंसिल्स हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप भी खाइए, एक्चुअली मैं खुद छोड़ना चाहती हूँ बट फ़िलहाल छोड़ नहीं पा रही हूँ। ये देखिए इसमें रेड कलर की भी है, देखिए फ्रेंड फ्लैट पेंसिल, एक्चुअली फ्लैट पेंसिल चीज़ होती है जिसे हम छोड़ने की काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। मेरे साथ भी दरअसल यही हो रहा है, प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है स्लेट पेंसिल से, लेकिन क्या करूँ, फिर भी खा लेती हूँ मैं कभी कभी, फिर भी मैं पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ छोड़ने के लिए। सो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये अनबॉक्सिंग का, यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।